drops on the floor alongside my spear. वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। तो यार आज पीछे आपको दिख रहा होगा तो ये बाइक हम आफ्टर लॉन्ग आई नो कि यार आप सब लोगों ने बहुत ही प्यार दिखाया हमारी एंटर की वीडियो पे, तो आई वुड से कि यार वेरी वेरी थैंक्स फॉर दैट। अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ठोक दो, क्योंकि आज वापस से हंटर का ओनर रिव्यू होने वाला है जिसके अंदर हम अपने भाई को बुलाएंगे। ठीक है, हंटर को लिए हुए करीब करीब हमें एकदम जब नई नई लॉन्च हुई थी तभी ले ली थी, एक साल हो गए हुए हमें बाइक को लिए हुए। एंड अब हम इसके ओनर को बुलाएंगे और इसका पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे। तो यार अब हम ओनर को बुलाते हैं। तो मनीष भाई क्या हाल चाल? बहुत ही बढ़िया भैया। आपको एक साल हो गए ओन के हुए, राइट? हमारे जो मेरे बड़े भाई हैं उनसे आपने ली थी, राइट? तो भैया अभी अपने फ्रेंड ही है तो उन्होंने ये बाइक ली अराउंड 1 ईयर है, वो सॉरी 6 मंथ हो एंड बाइक को रजिस्टर्ड हुए हो गए एक साल। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन शॉर्ट अगर हम जानना चाहते हो? इंजन पहले से रॉयल एनफील्ड की कैटेगरी में देखो तो काफ़ी रिफाइंड है, माइलेज अच्छा है, परफॉर्मेंस अल्टीमेट है, क्रूज करने में मज़ा आता है इसको, राइट है। सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है इसका, ब्रेकिंग माइंड तो रॉयल एनफील्ड में मोस्टली यही होता था 80 के बाद तुम ब्रेक लगाते रहते हो, रखते नहीं थे इसमें। तो ऊपर से डुअल चैनल ABS है और आप कह रहे हैं कि कम्फर्टेबल भी है और जो रिफाइनमेंट है वो भी इसकी काफ़ी एनहेंस कर रखी है। तो आप जब लेने गए थे, मतलब जब आप देख रहे थे इन शॉर्ट में, मतलब सर्च कर रहे थे उस टाइम जब हमारे साथ, तो आपने कहा था कि आप और भी ऑप्शन देख रहे थे, बट एकदम से भैया ने कहा कि मैं भी सेल कर रहा हूँ, तो आपने एकदम ही तुरंत की तुरंत वहीं हैंड टू हैंड कहा नहीं नहीं मैं ले रहा हूँ, क्योंकि नई लेने के लिए मैं देख रहा था। तो R15 थी, MT15 थी, हाँ, और एक अपनी ड्यूक 125 थी। ठीक है, पल्सर पर मैं जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि ऑलरेडी मेरे भाई के पास भी है तो उसकी चला चुका हूँ, मेरे को नहीं चलती वो पल्सर में, वो फील नहीं रहा, राइट? नहीं, वो जो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप हूँ तो मेरे को है ना जो पुराने लुक से वो ज़्यादा अच्छे लगते, अब जो आ रहे हैं वो मेरे को ऐसा लगता है वो थोड़े से ना ओवर ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप हो, तो इसलिए मेरे को ये पसंद है। हर की हर बंदे की ना प्रेफरेंस होती है, हर बंदा कोई चाहता है मेरे को मॉडर्न लुक मिले, कोई चाहता है मेरे को ओल्ड स्कूल वाइब आए, तो ये बाइक भाई तो ये बाइक वैसी ही है ओल्ड स्कूल वाइब्स के लिए। तो भैया ने इन शॉर्ट बता दी कि बाइक बहुत ही बढ़िया है उनके हिसाब से। तो भैया पहले जब आप कह रहे कि MT और R15, तो आपका क्या यही बजट था? आप बजट मेरा अभी स्टार्टिंग का तो यही था, मैंने पहले यही सोच रखी थी लेने के लिए। R15 इसलिए था कि उसका माइलेज काफ़ी, उसका माइलेज भी, परफॉर्मेंस भी है, सिटिंग पोस्चर में स्पोर्ट्स बाइक वैसे भी पसंद है क्योंकि फैमिली में भी रहते हैं लोग, राइट, भाई के पास है तो इसलिए। बट जब फिर उसके बाद जिस रेट में मेरे को ये 350 cc मिल रही थी और सेकेंड हैंड थी, और सेकेंड हैंड भी भैया के पास है, लोगों के पास है, तो उनसे ज़्यादा मैंने ही चलाई थी जब उन्होंने ली थी। उनने मुश्किल से 700 किलोमीटर चलाई थी, उसके बाद 2500 किलोमीटर तक मैं ही चला, उस 700 में भी 200 तो मैं ही लेके आ गया था। उसके बाद आपने चलाई, तो नोन्स के पास है तो जो जिनने चलाई है इसको तो मेरे को पता है उनका बॉडी पोस्चर और राइडिंग पोस्चर कैसा है उनका, क्योंकि यार जब हम चलानी कैसे जो अगर एंथुजियास्ट चलाता है तो मेंटेन भी वैसे रखता है, तो अभी तो ये मेंटेन थी, बहुत अच्छी मेंटेन, बहुत बढ़िया मेंटेन थी। और मैं भी यही बोलूँगा कि अगर आप एक यूज बाइक ले रहे हो ना तो कहीं ना कहीं अपने नोन में से लो, या फिर आपको पता है कि बाइक कैसे चली है, कैसे रखी है, कैसे मेंटेन है, अदरवाइज तो वही बात आ जाती है। तो अब हम ना बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज़, क्योंकि हर बंदा मान लो लेट से मैं ही हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ, मेरे को नई बाइक खरीदनी है 2-2.5 लाख, अभी ये ऑन रोड कितनी पड़ रही है? 220 की, 220 की टॉप आ रहा है ऑन, हाँ, तो ऑन रोड अभी इतने का आ रहा है, हालांकि भैया ने यूज़ नहीं थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे ही पड़ गया था, बट क्योंकि ये 2022 मॉडल है, एक साल भी नहीं हुआ अभी, एक साल कंप्लीट हो गया, अक्टूबर रजिस्टर्ड है, हाँ अक्टूबर रजिस्टर्ड है, तो लास्ट मंथ ही ये कम्प्लीट हुई है, तो करीब करीब काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी हमको, राइट, उस टाइम की हिसाब से। तो अब हम बात कर लेते हैं, मान लो कोई बंदा 300 cc ले रहा है, लेट से आपने कहा R15, तो R15 से कोई सोचेगा कि थोड़ा अपग्रेड करें, या फिर कोई स्पेंडर से सोचेगा अपग्रेड करें, ठीक है, तो उसके मन में सबसे पहले ये तो आता है भाई बुलेट, तो बुलेट लेता है तो पर ये अब बुलेट नहीं है, अब ये बुलेट नहीं रह गई, वो डुगडुग पे है नहीं, हाँ वो भैया के पास क्लासिक भी है, मैं उसको लेने के लिए भी मैं कर रहा था कि मेरे को वो मॉडल चाहिए जो अब नया आ रहा है, क्लासिक वो नहीं चाहिए, उसमें वो फील नहीं आती, वो मैंने चला रखी है दोस्त के पास भी, मेरे को नहीं जमती, बिल्कुल नहीं जमती,
लाइट वेट भी काफी कर दी गई है, थोड़ी सी लाइट वेट अच्छी होगी, रिफाइंड हो गया इंजन, बट जो पुराना मॉडल था वो उसकी बात ही जैसा भी है, जारी बुलेट। भैया पहले कह रहे हैं कि अगर अभी भैया ना, भैया के पास बुलेट भी थी, हमने आपको दिखाई होगी, वो कह रहे अगर वो दोगे ना तो अभी वापस चेंज कर लूंगा मैं 1.5 लाख उसको लेने के लिए तैयार हूं, लेने के लिए 17 मॉडल है उसको मैं लेने के लिए, अभी भी मैं बोल रहा था कि ले लूंगा मैं भैया से तो भाई बुलेट का क्रेज ये सीन है, तो ये चक्कर। बट अगर मान लो अब हम आ जाते हैं थोड़ा टॉपिक पे कि भाई अब मान लो मैं ये लेने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कंसिडर करूँगा कि भाई कितनी की सर्विस पड़ रही है, तो आपने इसकी सर्विस करा लिया, तो पहले हम दिखाया था बाइक कितनी चली हुई है, भाई मीटर वीटर सारा डिजिटल आता है इसके अंदर। अब यहाँ पे देख रहे हो ये अराउंड 4600 किलोमीटर चली हुई है, एंड आपने ली थी अराउंड 1000 पे, 2500 पे, तो आपने 2500 चला दी, एनएक्स सर्विस भी करा ली, तो आपका सर्विस के साथ एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि बंदे कहते हैं यार रॉयल एनफील्ड वाले सर्विस में थोड़ा सा करते हैं, एक्सपेंसिव भी है और उस हिसाब से सर्विस देते भी नहीं, राइट, बट आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। सर्विस ठीक थी, टाइम टू टाइम मेरे को बाइक मिल गई थी, बस वही है कि मैं इतना नहीं करता, बट फिर भी मेरे को 3200 का बिल आ गया, 3200 का बिल आ गया था पहले पहले में। तो होता है कि भाई यूजुअली अगर बंदा एकदम से ले रहा है, मान लो आज जैसे आपने बताया आपका स्प्लेंडर भी है, तो आपने कहा कि वो 800 में हो जाती है, राइट, और बंदा एकदम से कहेगा 3200, तो थोड़ा सा लगता है, ऑब्वियस है वो हर बंदा यही करेगा, तो आपको क्या लगा कि भाई इतने, मतलब अगर आप 350 cc की ये बाइक ले रहे हो तो 3500 की सर्विस वर्थ लगती है आपको, तो वही वर्थ है, विच इंडिकेट्स कि भाई बाइक क्या चीज़ है और जो इसको चलाने में मज़ा आता है उसके लिए बंदा 3200 रुपये मेंटेनेंस के भी दे देगा। मोस्टली यही है कि सर्विस सेंटर पे ही कराओ तो ज़्यादा प्रेफर, और अपने सामने कराओ। हाँ राइट है, कि छोड़ के भी मत आओ, अगर एक घंटे में मिलनी है 1 घंटा वहाँ बैठ जाओ कुछ नहीं, राइट, तो सामने हो सर्विस तो ही ज़्यादा अच्छा पता रहता है कि ऑयल चेंज भी किया है या नहीं, तो लिख देंगे बट तुम चेक कैसे करोगे। सही बात है, क्योंकि उनके पास इतनी भीड़ होती है आजकल रॉयल एनफील्ड पे, तो भाई वो कहते हैं ले जाओ बस जल्दी जल्दी। अब हम जैसे पाची भी खराब देते पहले, तो वो कहते थे चेन स्प्रे लगाना है, चेन क्लीन करनी है, बट चेन क्लीन करते नहीं थे, जब मैं बाद में कहीं ले गया तो मैं पता चला चेन क्लीन नहीं किया, तो ये काफ़ी इंसिडेंट आते हैं, इवन इंजन ऑयल के साथ भी करते हैं वो, कोई कुछ भी कर सकते हैं आप, इसलिए आपको सर्विस में यही रिकमेंड करूँगा कि यार अगर आपके सामने हो तो कहीं ना कहीं बेटर है, अदरवाइज तो ट्रस्ट इशूज आ जाते हैं। तो आपने बताया 3200 की सर्विस होगी, और सबसे बड़ा सवाल रहता है कि माइलेज क्या दे रही है भाई, 34 की आवाज दे रही है मतलब, और इसकी टैंक कितनी की होगी, 13 लीटर की, तो आप अंदाजा लगा सकते हो 350-400 के करीब इसकी टैंक रेंज, हाँ आराम से 320 किलोमीटर इसकी 10 लीटर पे, क्योंकि मैं इसको ना जैसे ही लास्ट पॉइंट से उसका ब्लिंक करना शुरू होता तभी मैं इसको टॉप अप करा रहा हूं। सही है, आप अभी आपने बताया कि आप कसोल भी ले गए थे, कसोल भी, तो उस राइड में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बाइक के साथ, क्या आपको लगा थका हो रही है, कितने किलोमीटर चलाई होगी आपने वन स्ट्रेच में कई होगी अराउंड 200। हम बात कर रहे थे माइलेज की फुल टैंक की, तो भैया ने बताया अराउंड 32 किलोमीटर, हमने कसोल का आपका एक्सपीरियंस जाना, आप कह रहे कि 200 किलोमीटर मैंने स्ट्रेच कर लिया था बिना थकावट, विदाउट ब्रेक, पहला ब्रेक जो हमने 200 किलोमीटर, तो उसमें आपको एग्जॉस्टेड फील नहीं हुआ बिल्कुल भी, विद पिलियन, अरे भाई, और पिलियन कंफर्ट कहते हैं कि इसमें थोड़ा रहता है, थोड़ा सा रहता नहीं है बट वही है, जिसकी हाइट लंबी है तो इसका ना जो बैक का ना फुटरेस्ट है वो थोड़ा ऊपर है, हाँ पीछे से, ठीक है, और सीट फ्लैट है तो नी बेंड हो जाती है, नी है ना थोड़ी सी अपर हो जाती है जिसकी हाइट लंबी है, तो उसको बस वो है कि थोड़े टाइम बाद उसको हल्का फुल्का हो जाता है, तो और आप देखो कि इसकी जो सीट है ना एकदम प्लेन करवा रखी है, दूसरी एंटर आती है, हाँ दूसरी एंटर में थोड़ा सा यहाँ बम्प है और पीछे थोड़ा सा नीचे, तो उस सीट का अलग कंफर्ट होगा और इसके थोड़ा अलग कंफर्ट है, ये एक तरह से थोड़ा सा स्टिफ और थोड़ा एग्रेसिव फील होता है, वो थोड़ी सी ना कुछ नहीं उसकी वैसे थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, बट वही है हर बंदे के ऊपर रहता है वो, बट इसमें ज़्यादा मज़ा आता है ये पसंद है। तो भैया ने कंफर्ट बता दिया कि भाई कंफर्ट अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है कि यार कंफर्ट एनहांस हो सकता है, सीट्स लगवा सकते हो आप इसके अंदर, रॉयल एनफील्ड के अंदर तो इतनी कस्टमाइजेशन आती है, कोई कैसी सीट लगा रहा है, एग्री करते नहीं करते, और ये भी कंपनी से, हाँ ये भी कंपनी से, रूम से निकलने से पहले यही लगवाई थी, तो एसेसरी की भी हम बात करेंगे थोड़ा एंड में ले जाते हैं वीडियो को, तब हम एसेसरी भी गिनाएंगे और उसका प्राइस गिना देंगे,
और अगर आपको पूरी एक्सेसरी की वीडियो देखनी है तो आप जा सकते हो, आई बटन में आ रही होगी ऑलरेडी। मुझे नहीं लगता आपने कुछ एक्स्ट्रा भी लगवाया होगा, राइट? इसमें एलईडी इंडिकेटर है और एक छोटा मॉनिटर है, मीटर है जो आता है, ये यहाँ नेविगेशन वाला है, नेविगेशन मीटर। और ये इंडियन वर्जन में नहीं आता, ऑन नहीं है, वायर निकाल रखी है अभी तो, क्योंकि वो थोड़ा सा ना कभी कभार वो करता है कि भाई यहाँ वहाँ, तो हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। बाकी छोटी मोटी एक्सेसरी और है, ये काफ़ी क्लासी लगते हैं, इससे थोड़ी सी ना वाइट फीलिंग आती है ना, थोड़ी बड़ी बाइक है, थोड़ा सा अच्छा लगता। जावा वाले होंगे ये, राइट? उसके अंदर बाई रिपोर्ट आपको मिल जाता है। तो अब भाई से हमने कंफर्ट की बात कर ली, माइलेज की बात कर ली, सर्विस की बात कर ली है, अब हम आ जाते हैं अपने थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि जो एजिलिटी होती है, हैंडलिंग होती है। जैसे आप अगर आप सिटी के लिए भी ले रहे हो, क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बंदा सिटी में ज़्यादा ट्रैवल करता है, कोई अगर दिल्ली से है, गुड़गांव से है, कोई दिल्ली NCR से है, तो यार आपका भी पता होगा कि यार वहाँ पे जाम होता है काफ़ी ज़्यादा, समझ रहे हो, आपको कंजेस्टेड एरिया में चलानी पड़ती है। तो उसके अंदर आपको कैसा लगता है कि यार भारी लगती है, नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, कंफर्टेबल राइड होती है। बस यही है कि ये थोड़े वाइड हो गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ना कम जगहों पे निकालने में थोड़ा सा लगता है हल्का सा, बट उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल थकान नहीं होती इसमें। बाकी इसका टर्निंग रेडियस आप क्या कहोगे? कॉन्फिडेंस है, लंबा है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आता है, लूज नहीं होता कॉर्नर पे या हाई स्पीड पे कि बाइक साथ छोड़ देगी एकदम से। और ब्रेकिंग की मैं बात कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली 350 cc है, 350 cc है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, सबसे बड़े डिस्क है इसमें में जो मैंने अभी तक इस एक्साइटमेंट में देखी। तो भाई आरी की तरफ से ये डिस्क विद स्टील ग्रेडेड कैलिपर, बाइक थोड़ी गंदी है, अवॉइड करना। तो भाई बाइक गंदी हो रही है, हम बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के भैया को बुलाए, ठीक है, इसके डिस्क 280 डिस्क सारी बता दिया भाई ने, 280 mm, जो कि कहीं ना कहीं ड्यूक में भी आई गेस 270 आता है, अगर ड्यूक हम 200 ले रहे हैं, जो कि इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाती है। अब हम बात नेगेट स्पोर्ट, हाँ वो नेगेट स्पोर्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी, प्रॉपर स्पोर्ट्स कैटेगरी, और कहीं ना कहीं ये बॉबर भी नहीं है, मिक्सअप है उनका, इसलिए लोगों को काफ़ी पसंद है, इसलिए इसके सेल्स फिगर जो है ना वो इतने हाई है, अभी भी लोग काफ़ी खरीद रहे हैं इसको। स्ट्रीट में आती है, स्ट्रीट में, सॉरी स्ट्रीट फाइटर नहीं, स्ट्रीट बाइक है भाई, स्ट्रीट बाइक कैटेगरी, ठीक है। तो स्ट्रीट बाइक के हिसाब से भाई ने बताया कंफर्ट है, अगर हम सिटी में ज़्यादा देर चलाते हैं, कहते हैं रॉयल एनफील्ड की भाई गर्म बहुत होती है, हीटिंग इशू है थोड़ा सा मतलब समझ जाओ, क्लासिक के कंपैरिजन में, जो पुरानी बाइक के क्लासिक हमारे पास उसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। ओह तो भाई आरी वालों ने इंजन पर काफ़ी इंजीनियरिंग दिखाई है, बट कहीं ना कहीं ये सेक्शन मिस हो गया, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखो ना तो एयर कूल्ड है, ऑयल कूल्ड है, सॉरी कहीं ना कहीं अगर हम वो कौन सा कूलिंग आता है, हाँ अगर लिक्विड कूल आता तो थोड़ा सा अच्छा होता, हाँ वो उसमें आता है, पर क्या करें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड क्लासिक है जो पुरानी, वो इसमें आता है तो इसमें आता है, सही का वो इसमें आता है भैया। जैसे अगर हम ये सेकेंड हैंड लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, वो हम अगली वीडियो के लिए डिस्कस करने हैं, अगली वीडियो के लिए रखते हैं, आज ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को। अगर हम इन शॉर्ट बोले तो आपको सर्विस, आपने कहा हीटिंग इश्यूज है, आप थोड़े कुछ पॉजिटिव बता दो इसके। पहले मैं बता देता हूँ हीटिंग का, कि हीटिंग सिर्फ ट्रैफिक जैम हो गया, लो RPM पे चल रही है, गलियों में, छोटे रोडों पे, राइट, ठीक है, जहाँ ट्रैफिक है तब इसमें आपको फील हो जाएगा, रेडिएटर इसमें ना फैन है ना लिक्विड कूल्ड है, तो इसमें आपको फील आ जाएगा, और स्पेशली लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे आती है, फील हो जाता है, और अच्छी खासी हो जाती है गर्मियों के टाइम पे, ज़्यादा हो जाती है गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा, क्योंकि 300-350 cc होगी लिक्विड कूल्ड में, तो आ जाती है, लेकिन जब हाईवे पे आप क्रूज करो, जब नहीं पता चलेगा, कोई इशू नहीं होता, सिर्फ सिटी में और लो RPM लो स्पीड पे आप चला रहे हो कंटिन्यू, जब ट्रैफिक आ रहा है, ब्रेक लग रहा है, जब दिखा देता है, जब पता चल जाता है हीटिंग है। ओके, तो पहले हम नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं, एक तो हीटिंग बता दिया, और कुछ आपको नेगेटिव लगाओ? उसके अलावा भाई कोई नेगेटिव नहीं लगा, विच इंडिकेट्स कि भाई आरी के जो कितने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, सर्विस से भी आप खुशी हो? हाँ सर्विस ठीक है, बट बस वही है कि पहला सदमा था, हाँ वही है, अब तो मेंटेन हो जाएगा, अब तो पता चल गया, आइडिया नहीं था उस टाइम मेरे को इतना, अब आइडिया है तो वो बात है। और ऑब्वियसली भाई ने बताया सर्विस भी वर्थ है, क्योंकि अगर आपको इस बाइक से ऐसी फील आती है तो सर्विस टाइम टू टाइम कराओ बस, क्योंकि अगर बाइक साथ देगी तभी तुम चला पाओगे, वरना जिस दिन इसे साथ छोड़ दिया तुम हाईवे पे फिर रहना बस, हाथ देते रहते जाओगे, कोई साथ ले चले या फिर इसको ले चले या हमें ले जाएगा। अब जैसे इसके अंदर आपने कहा वेट, इसके अंदर नहीं पता चलता, राइट,
तो वो बात है, अगर आप इंटरसेप्टर है कोई दूसरी ले लेते हो बुलेट, तो उस पर आपको वेट का काफ़ी पता चलेगा, पंचर वंचर जैसे इसके अंदर एलोए व्हील्स आ जाते हैं आपको। अगर आप बुलेट वाली लेते हो जो अभी वाली नहीं, अगर आप पुरानी लेते तो उसके अंदर हमें स्पोक्स आते थे, वो स्पोक्स अलॉयज थे और वो ट्यूब थे। हाँ, वो पंचर वंचर लगाने में भी काफ़ी इशू था, उसमें इशू होता था, ट्यूबलेस है दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड ने जितनी भी कमियाँ बुलेट में लगती थी वो जो न्यू जनरेशन को पसंद आता वो इसमें डाल दिया था, इस वजह से आज ये इसकी सेफ्टी के लिए आई है। तो आप इन शॉर्ट में बोलूँ तो आप रिकमेंड करोगे अगर कोई अभी नहीं ले रहा है या फिर सेकेंड हैंड ले रहा है तो उसको? सेकेंड हैंड आप तभी लो जब आप पूरे इंश्योर हो, गाड़ी पूरी चेक करो। हाँ। और अगर नॉन से ले रहे हो तो ज़्यादा बेटर है कि आपने आपको देखी, आप देखी है कि वो कैसे चलाता है, उसको मेंटेन कर रहा है, तो अगर उस बंदे से ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप बाहर से भी ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप ऐसे बंदे को साथ लेके जाओ जिसको नॉलेज हो बाइक की, जो मैकेनिक ले जाओ, मैकेनिक ले जाओ या कोई फ्रेंड ले जाओ जिसको नॉलेज हो अच्छी खासी, वो टेस्ट कर लेगा, वो टेस्ट कर लेगा, चेक कर लेगा, मेन ये है। और नई भी अगर कोई ले रहा है तो उसको आप रिकमेंड करोगे या फिर आप इस बजट में कुछ और ऑप्शन बोलोगे कि एक्सप्लोर करें या फिर कहीं ना कहीं आपको ऑलराउंडर पैकेज देखने को लग रहा है? ये स्पीड कैटेगरी में है तो स्पीड में जाना है तो आप डेफिनेटली जाओ, ये आप इससे टूर भी कर सकते हो, ठीक है, आप इससे आप इसको हाई आरपीएम हाई स्पीड में भी चला सकते हो, कोई इशू नहीं रहती, ठीक है। आपने मैक्स कितनी भगा रखी होगी? 120 प्लस। लेट हो रहा था एक दिन तो एक ही बार गई थी, उसके बाद मैं इसको मोस्टली 80-90, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो आई डोंट थिंक 140-145 से ऊपर जाती होगी, राइट? जा सकती है, जा सकती है, बट उतनी कैपेबिलिटी मैं कहूँगा कि बिकॉज इस इतना तो विंड ब्लास्ट आ जाएगा एंड उस पर्पज के लिए है भी नहीं है भाई। हाँ। तो उस वजह से उस सिटी पर्पज से तो इनफ है कि सिटी में आप कितनी मैक्सिमम ले जाओगे? 100 ऑब्वियस है, बस उससे उस वो भी मैक्सिमम आप बहुत ज्यादा हो गया, 80 से प्लस कोई नहीं जा सकता सिटी में, 60 भी चला जाता है, ठीक है, राइट है, राइट है। और 80 पे और हाईवे पे आप 80-90 क्रूज करोगे ज्यादा तो सही चले, उतने पे कोई इशू नहीं होता, स्मूथली जाती है वाइब्रेशन और ब्रेक भी, ब्रेकिंग भी अच्छी है हाई स्पीड में तो आराम से इजिली रुक भी जाती है, कोई पैनिक नहीं हो सकता। और डुअल चैनल एबीएस है तो इमरजेंसी ब्रेकिंग भी लग जाती है, कोई गिरने का भी डर नहीं है, ऑब्वियस है। तो इन शॉर्ट आज हमने ये देखा कि भाई क्या अगर आप आरी लेने जा रहे हो तो इज इट अ वर्थ डिसीजन और नॉट, तो भाई ने ऑब्वियस है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई ने पूरे थम्स अप है इस बाइक को, थम्स अप है डेफिनेटली, आप बाय कर सकते हो इस बाइक को अगर आप कंसीडर कर रहे हो। बट तो यही है कि आप स्पीड कैटेगरी में, अगर स्पोर्ट्स पे जाए स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए R15 है, अपाचे है, और भी बाइक्स है, ड्यूक है, आप उन पे कंसीडर करो। और अगर टूरिंग पे जाना है हिमालयन आ गई, आपके पास जावा भी कैटेगरी में आती है, ये भी एक तरह से आप इससे भी टूर कर सकते हो, लोग इसको लद्दाख लेके जाते हैं डेफिनेटली, शायद मे बी नेक्स्ट ईयर मैं भी लेके जाऊंगा, तो उसका भी रिव्यू थोड़े जल्दी ही लाएंगे आपके साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको कोई पॉइंट मिस आउट लगा, कुछ कौन सा आपके साथ है, मतलब आपने आपके पास भी हंटर है और आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है तो कमेंट में कमेंट कर दो, सो दैट हमारी जो ऑडियंस है उसको एक अच्छा पिक्चर मिले कि यार क्या ये लेना सही है नहीं है, बाकी आप डिसीजन तो समझ गए होंगे। तो आज के लिए भाई को थैंक यू करते हैं, बहुत टाइम के लिए शुक्रिया भाई, मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन सी ए बाय बाय, टेक केयर।